बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 76 अल्कीन्स पढ़ने हमने। अल्कीन्स हम पढ़ चुके हैं, अल्कीन्स के मुतालिक भी पढ़ा हमने, उसकी ऑक्रेंस भी पढ़ी, प्रिपरेशन भी पढ़ी, केमिकल रिएक्शन भी पढ़े और उसके हमने यूजेस भी पढ़े। अब हम सबसे पहले अल्कीन्स की उसी तरतीब पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अल्कीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं, वो होता क्या, जनरल फार्मूला देखेंगे, फिर इसके बाद हम अल्कीन्स की जो है ऑक्रेंस देखेंगे, फिर आगे मजीद जो है हम अल्कीन्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अल्कीन्स की जो है मुतालिक देखते हैं। द सिंपलेस्ट अल्कीन इज इथीन हैविंग फार्मूला। अब सी एक सिंगल कार्बन का इथीन नहीं होता, क्योंकि इथीन अल्कीन जो है उसे डबल बॉन्ड होना उसके अंदर ज़रूरी है। द सिंपलेस्ट अल्कीन इज इथीन हैविंग फार्मूला C2H4। दिस कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। दिस कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड आल्सो नोन एज ओलिफिन अ लैटिन वर्ड मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग बिकॉज फर्स्ट मेंबर फॉर्म ए ऑयली प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद हैलोजन। हैलोजन के साथ जब भी आपका इथीन रिएक्ट करता है तो इससे ऑयली किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, इस वजह से इस ग्रुप को जो है ऑयल फॉर्मिंग भी कहते हैं। अ फ्यू अल्कीन विद देयर मॉलिकुलर कंडेंस स्ट्रक्चर एंड क्रॉस एंड डॉट फार्मूला आर गिवन। हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे कि इनके कुछ जो है किस तरह इनके मॉलिकुलर और ग्रास फार्मूला जो दिए गए हैं। जिस स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं मॉलिकुलर कंडेंस स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, ये देखो मैंने कहा ये आपको डबल बॉन्ड वाले हैं सारे। इसके फर्स्ट मेंबर का नाम जो है इथाइलिन भी है, इसलिए पूरे ग्रुप को इथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं। C2H4C, ये आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये इसका आपको स्ट्रक्चर फार्मूला, ये क्रॉस एंड डॉट फार्मूला आपको इसका नज़र आ रहा है। इसी तरह प्रोपाइलिन, ये जब डबल बॉन्ड आएगा और ये प्रोपेन की जगह प्रोपाइलिन या प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपेन था AN ही हटाकर ENE कर देंगे हम, प्रोपीन। ये इसका जो है C3H6 है फार्मूला के तहत, फार्मूला जो हमने इसका पढ़ा था CnH2n, ये जो हमने इसके अलावा ये इसका जो आपको कंडेंस फार्मूला नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला नज़र आ रहा है और ये इसका क्रॉस एंड डॉट फार्मूला नज़र आ रहा है। अब ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन, ये जो है ना इसका आपको जो है मॉलिकुलर फार्मूला, ये इसका कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और ये इसका आपको क्रॉस एंड डॉट फार्मूला नज़र आ रहा है। पेंटीन, ये जो है पेंटीन जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इसका कंडेंस फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये इसका कंडेंस फार्मूला, ये मॉलिकुलर फार्मूला, ये इसका क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। अब इसकी ऑक्रेंस देख लेते हैं हम। अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव, अल्कीन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, अल्कीन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, सेल्डम अकर फ्री इन नेचर, इसी वजह से फ्री अकर नहीं करते। लोअर अल्कीन्स अकर इन कोल गैस इन माइन्यूट क्वांटिटी, लोअर अल्कीन यानी लो मास अल्कीन जो है वो थोड़ी सी गैस थोड़ी सी मिकदार में कोल जो है गैस में एग्जिस्ट करते हैं। इथाइलिन इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस सम टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, नेचुरल गैस में 20% तक हो सकती है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट बाई क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम की हम क्रैकिंग करते हैं यानी उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं, पेट्रोलियम के फ्रैक्शन बनते हैं, तो उस वक्त भी अल्कीन जो है लार्ज अमाउंट में पैदा होती है। ये आपकी इसकी ऑक्रेंस है अल्कीन की। आप जो है इसको याद करें, इन फार्मूलों की प्रैक्टिस करें, इनके नाम याद करने की कोशिश करें, फिर जो है मैं आप इसको जो है याद करें, फिर अगले लेक्चर में हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अस्सलामुअलैकुम।